सागर जिले के जैसी नगर पुलिस अभिरक्षा मामले में पीड़ित पक्ष ने अपहरण में सहयोग करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की मांग की है और मृतक युवक के साथ लड़की की फोटो वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। शिकायत करने आए लोगों ने कहा कि फोटो और जो वीडियो वायरल किए गए हैं उसमें से कुछ एडिट किए गए हैं तो कुछ जबरदस्ती करके फोटो खिंचवाए गए हैं, साथ ही इसमें अपहरण के बाद लड़के पर गलत काम करने का भी आरोप लगाया गया है। लड़की ने कहा कि युवक के परिजनों को इस बात की जानकारी भी थी लेकिन वो भी धमकी देते थे। कक्षा 11वीं में पढ़ती थी हाई स्कूल में, वो भी हमारे साथ वहीं पे पढ़ता था, तो ऐसे ही वो बातचीत होती थी तो उसने मजबूर करके जबरन फ़ोटो खिंचवा ली हमसे। उसके बाद वो हमें मजबूर करने लगा बात करने के लिए और कहीं से उसने मेरा मोबाइल नंबर ले लिया जिससे वो मोबाइल पे हमें परेशान करता था। उसके बाद इस सब का पता हमारे घर वालों को चल गया, उसने फ़ोटो ली, बात करता था, मारपीट करता था स्कूल में, इसका पता हमारे घर वालों को चल गया तो हमने बिल्कुल से मतलब 3 महीने स्कूल नहीं गए। उसके बाद 12वीं की पढ़ाई स्टार्ट हो गई तो उसने हमें मजबूर किया बात करने के लिए, अगर तुम हमसे बात नहीं करोगी तो मैं मर जाऊँगा, ये कर लूँगा वो कर लूँगा, तो मैं बदनाम कर दूँगा, तुम्हारी पढ़ाई बंद हो जाएगी, तुम्हारे घर के मुँह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। और उसकी बहन जो दीपाली है वो भोपाल में रहती है, उसने भी उनका साथ दिया इस सब में। बोस ने मुझे मोबाइल भेजा था जय सिंह और रोहन पटेल के हाथ से, रोहन पटेल के हाथ से उसने मोबाइल सिम भेजी हमें और जय सिंह के हाथ मोबाइल भेजा और उसने नींद की गोली भेजी थी जय सिंह के हाथ कि आप तुम्हारे घर वालों की गोली खिला देना और घर के बाहर मुझसे मिलने आना। तो घर के बाहर उसने कहा अगर तुम मिलने नहीं आई हो तो मैं मर जाऊँगा। उसके बाद वो वहाँ से ज़बरदस्ती हमें अपनी मोटरसाइकिल पे बिठा के सेमरा ले गया उसके घर, वहाँ पे उसकी मम्मी थी, पापा थे और उसके मौसाजी थे कलू जो बंजरिया के हैं। उन्होंने कलू मौसाजी से उन्होंने सलाह करके कुछ पैसे दिए और कहा कि इसको जबलपुर ले जाओ, तो वहाँ से बलेरा से मुझे जबलपुर ले गया। कितने दिन उसके साथ रहे? 10 दिन। क्या क्या हुआ वहाँ, किस प्रकार का परेशान किया गया? उसने वहाँ पे परेशान किया, बलात्कार किया और इस सब और इसके बाद उसकी बहन ने उसका साथ दिया और उस बहन के साथ उसकी बातचीत होने के बाद बहन ने उसे भोपाल बुला लिया जहाँ पे बहन ने भी उसका साथ दिया इस सब में और वहाँ पे उसकी मम्मी पापा को भी ये बात पता थी और उन्होंने भी साथ दिया इस सब में। कैसे आप उनके चंगुल से कैसे मुक्त हो पाए? वहाँ से पुलिस ढूंढते ढूंढते हमें भोपाल पहुँच गई। पुलिस को ये बात पहले से पता थी कि उसकी बहन मदद कर रही है, तो वहाँ ढूंढते ढूंढते पुलिस उसकी माँ के साथ भोपाल पहुँच गई और वहाँ से हमें ले आई भोपाल से। उसकी माँ थी साथ में, लड़का था और पुलिस थी साथ में। उसकी माँ ने जब वो साथ आ रही थी भोपाल से तब हमसे कहा उसने कि तुम यही कहना कि हम अपनी मर्जी से गए थे, लड़का ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की है, तुम उसके साथ रहना चाहती हो, तुम्हारी शादी हो गई है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया और हम लोग तो जेल जा ही रहे हैं, तुम भी मुँह दिखाने के लायक नहीं बचोगी और तुम्हारा घर तो वैसे भी नहीं रहा और अगर तुम पे केस हो रहा है लड़का से कहा तो तुम मर जाना, फांसी लगा लेना। किसने कहा था? उसकी माँ ने कहा था उसकी बेटी से। अब आप क्या कि तुम्हारी वजह से हम सब जेल जा रहे हैं, इससे अच्छा है कि तुम ही मर जाना। अब आप क्या चाह रही हैं? नहाय चाह रहे हैं बस हम। पीड़ित नाबालिग लड़की के साथ SP ऑफिस पहुंचकर समाज के लोगों ने बताया कि नाबालिग बच्ची को मृतक कृतेश बहला फुसला कर अपहरण कर ले गया था, उसके साथ गलत काम भी किया गया। इस घटना में जिन भी लोगों ने सहयोग किया है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं इस मामले में नाबालिग लड़की के मृतक युवक के साथ वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है, साथ ही इन फोटो वीडियो को रोकने के लिए भी कहा गया है। उसके संबंध में ज्ञापन देना था क्योंकि क्षेत्र के अंदर काफ़ी रोष व्याप्त है, एक तो बिटिया के और इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, उसके बाद जो आरोपी पक्ष है वो दबाव भी डाल रहा है, तरह तरह के बयान और ये अपना इस मीडिया के माध्यम से कई प्रकार के वीडियो वायरल कर रहा है और ये ऐसा कर रहा है जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा और निजता का हनन हो रहा है। इसके लिए पूरे जैसी नगर क्षेत्र के लोग सब आए हैं और एक बिटिया से जुड़ा जो नाबालिग का मामला है काफ़ी संगीन मामला है, तो इसमें हम SP साहब से भी, कलेक्टर साहब से भी और जज साहब से भी इस बात का आवेदन दे के प्रार्थना कर रहे हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और अतिशीघ्र इस मामले का निराकरण हो, जो दोषी है
हैं उन पर जो धारा लगना चाहिए वो लग के उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, इस प्रकार की मांग समस्त समाज आज करने को आई है। नहीं, ये सारी चीज़ें वो ये प्रायोजित बना के आजकल सब हो जाता है, वो बना के पेश की जा रही है कि जिससे ये सिद्ध हो जाए कि ये गलत नहीं किया है। वास्तव में ये बात पूरी तरह झूठ है, कहीं कुछ नहीं है, इसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। आप लोग क्या चाह रहे हैं, कौन सी धाराएं लगनी चाहिए? हम लोग ये चाहते कि जैसा बच्ची का अपहरण हुआ, गलत काम हुआ या जो भी चीज़ कानून के दायरे में आए वो उन पर धाराएं लगना चाहिए और इस पक्ष को सुरक्षा मिलना चाहिए। वो इनके खिलाफ कोई बात नहीं होना चाहिए क्योंकि पीड़ित तो ये हैं। वास्तव में उनने कैसे करके वो फांसी लगा ली वो एक विषय बिल्कुल अलग हो गया, लेकिन अग्रेसर वो था, उनका परिवार अग्रेसर था और इस परिवार के साथ गलत काम किया गया और आज उसी पर वो दबाव बना के चाहते हैं कि वो बच निकले।